और आपको अच्छे समझ में आएगा। तो अब आप देखिए इसमें भी वही हो रही है, चेन रूल में अगर आपको थ्री वेरिएबल आ जाए डी यू तो आप किस तरीके से याद रखेंगे, तो इसमें सिंपल वही करना है। तो आप ये देखें डी वाई ओवर डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स में आपने क्या किया है, ये आप यहाँ पर लिख दिया डी वाई और यहाँ पर जाकर लिख दिया डी एक्स, ठीक है। अब आपने मालूम क्या करना है, डी यू, तो आपने क्या किया डी यू, और आपने मालूम करना है डी वी, डी वी डी जे डी डब्ल्यू डी जेड, इस तरीके से आपने याद रखना है तो आपको आराम से ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप चलते हैं आगे, ये आ गया फार्मूला चेन रूल का, डी ओवर डी टी डी डब्ल्यू डी एक्स डी एक्स ओवर डी टी। तो इसमें भी आपको वही करना है, देखें आप क्या करेंगे, डी डब्ल्यू मतलब क्या है डी टी और आगे क्या होगा प्लस डी डब्ल्यू डी टी। अब हमें मालूम क्या करना है x, तो क्या करेंगे डी एक्स डी एक्स, हमें मालूम करना है डी वाई डी वाई डी वाई। देखें ये चीज़ लिखी हुई है आप, तो ये जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, डी डब्ल्यू डी एक्स लिखा हुआ है, डी एक्स ओवर डी टी लिखा हुआ है प्लस डी डब्ल्यू ओवर डी वाई लिखा हुआ है, डी वाई ओवर डी टी आ गया। ये पूरी वैल्यू किसके हो गई, इसके, तो आपको इस तरीके से याद हो जाएगा, तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर यही दिया हुआ है, हमें डी ओवर डब्ल्यू दिया हुआ है एक्स वाई और एक्स की कॉस और वाई की वैल्यू दी हुई है साइन टी, तो हमें क्या करना है डी ओवर डी टी। तो देखें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, अगर हम चाहते तो इसको इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हो रहा है, जैसे कि हमने ऊपर लिमिट्स मालूम किया था कि पहले हम देखते हैं फॉर्मूला खुल रहा है या नहीं खुल रहा, तो उससे हमारे लिए आसानी हो जाती है, हमें स्टेप नहीं करने पड़ते, लेकिन उसके लिए शर्त यह कि हमें फॉर्मूले वगैरह मालूम हो। तो अब आप ये देखें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका मतलब क्या होता है, जहाँ लिखा हो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं जिससे हमारा सोल्यूशन जो है आसान हो जाए। तो अब आप ये देखें ये सोल्यूशन हमारे तीन लाइनों में होगी, जबकि देखें यहाँ पर चार पाँच लाइनों में जा रहा है, डिफरेंस क्या है, अब आप ये देखें मैं आपको समझाऊँ ये चीज़। तो आप ये देखें यहाँ पे हमें दिया हुआ डब्ल्यू एक्स वाई एक्स कॉस टी और वाई दिया हुआ साइन टी, मालूम क्या करना है डी ओवर डी टी, यानी डी ओवर डी टी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, तो हमें क्या नाम है डी ओवर डी एक्स डी एक्स ओवर डी टी, और ये चीज़ें मालूम करनी है। तो देखिए इसने किया क्या है, तो देखें आप इसके डब्ल्यू क्या है एक्स वाई, ठीक है, इसने क्या किया एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, तो एक्स जगह पुट कर दिया कॉस, ठीक है, और वाई की जगह पुट कर दिया साइन टी, तो हमारे पास क्या बन गई वैल्यू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू कॉस टी साइन टी। अब हमारे पास मैथ में एक फार्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, जो कि किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है इसके साइन टू एक्स के। अब आप देखें अब आप अगर एक्स लेकर टी कर दें या एक्स लेकर टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन टी कॉस टी रहेगी सही टी, तो वेरिएबल का कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमें बताया इसको यहाँ पर लाना है टू, हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है, इसको यहाँ पर लाना है टू, तो उसने क्या किया सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, उसने क्या किया टू से डिवाइड कर दिया, टू से मल्टीप्लाई, जब भी कोई हम वैल्यू करते हैं कोई भी वैल्यू लेंगे थ्री फोर्थ, हम क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे। इसने क्या किया टू डिवाइडेड बाई टू, अभी देखें टू से मल्टीप्लाई हो रहा है टू से डिवाइड हो रहा है, तो जब भी टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो देखें क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा टू, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, ये जो ये किसके इक्वल है साइन टू एक्स, ये देखें ये इक्वल हो गया साइन टू टू, ठीक है, टू एक्स इक्वल हो गया, और एक्स की जगह हमने लिख दिया टी, वेट हमारे पास वैल्यू बदला टी, ये आ गया, अब बचा वन बाई टू, अब वन बाई टू कहाँ पर गया, तो अब आप ये देखें साइन टू एक्स और कॉस एक्स उसके इक्वल हो गया, साइन टू एक्स हो गया इक्वल, ठीक है, हो गया, अब क्या बचा वन बाई टू, देखें वन बाई टू साइन टू टी, ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर, यानी जो पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बट हमने क्या किया डब्ल्यू डी ओवर डी टी की जगह वैल्यू जो आई है वो हमारे पास आ गई वन बाई टू साइन टी। हम क्या करेंगे सिंपल डी डब्ल्यू इस पूरी की जगह क्या लिख देंगे हम वन ओवर टू साइन टू टी, तो आप देखें यहाँ पे इसने यही काम किया है, यहाँ पे लिख दिया, अब क्या लिखा है यहाँ पे डी ओवर डी टी, यानी हमें डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेना है साइन का, तो अब हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो आप देखें हमारे पास वैल्यू क्या आई वन बाई टू साइन टी, तो साइन टी का क्या होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा कॉस टू टी, तो ये देखें वन बाई टू, ठीक है, साइन टू टी का क्या हो गया कॉस टू टी, और इसके अंदर का भी लेंगे टू टी का, जब हम टू टी का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा टू टी, टी हो जाएगा वन, वन हो गया तो क्या हो गया कॉस टू टी टू टी, हमारे पास क्या था पीछे वन बाई टू, तो क्या होगा पीछे वन बाई टू था, और यहाँ पर हमारे पास क्या आया कॉस टू टी और टू, तो ये टू चले गया बाहर, जब ये टू बाहर चले गए तो क्या हो गया टू से टू कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा कॉस टू टी, तो अब ये देखें यहाँ पे आके कॉस टू टी, तो इस तरीके से हमारे पास ये कॉस टू आया है। तो देखें एग्जाम्पल में सेवन यू में दिया हुआ है लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स कॉस टी वाई साइन टी, अब हमें मालूम क्या करना है डी ओवर डी टी, जैसे हमने पहले किया था सिंपल वही करेंगे, क्या करेंगे डी ओवर डी टी मालूम करना है, डी ओवर डी टी लिखा देखें डी ओवर डी टी डी ओवर डी टी, और फंक्शन क्या दिए हुए हमें एक्स दिए हुआ वाई दिए हुआ डी ओवर डी एक्स डी ओवर वी वाई, तो हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला बन गया। अब हमें क्या चीज़ निकालनी है, हमें ये निकालना है ये निकालना है ये निकालना है ये निकालना है, अब हमारे पास वैल्यू दिए मैंने हमारे पास क्या दिए मैंने, अब देखें डी ओवर डी एक्स निकालना है, एक्स निकालेंगे तो क्या होगा एक्स वन हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा वाई वन, इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वाई, ठीक है, जब हम इसका वाई निकालेंगे तो क्या वाई हो जाएगा वन, वाई हो जाएगा एक्स, देखें डी एक्स और डी वाई आ गया हमारे पास, ठीक है, हमारे पास डी एक्स और डी वाई आ गया, अब हमें क्या निकालना है डी टी और वाई टी, अब आप देखें डी टी किस तरीके से आएगा, देखें विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आया कॉस टी,
कॉस्टिका क्या होता है, एस एन टी, कॉस्टिका क्या होता है, माइनस एन टी आ गया। अब आप यहाँ पे देखें, आप हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, डी वाई ओवर डी टी। देखिए सेंटी का क्या होता है, कॉस्टी आगे वैल्यू। अब आप देखें हमारे पास चार वैल्यू हो गई, ये हो गई वाई की, ये एक्स, ये सेंटी, ये डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो देखें हमारे क्या आई, वाई की वैल्यू आई, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेंटी आई, यहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू ये आई रिस्पेक्ट टू एस, और डी टी की वैल्यू ये आई। ये लिख दी हमने फॉर्मूला पुट की, और सिंपल इसको सॉल्व कर दिया। तो अब आप ये देखें, तो डी ओवर डी एक्स की जगह क्या वैल्यू थी हमारे पास, ये थी हमारे पास यहाँ पे थी वाई, ठीक है। डी एक्स ओवर डी डी की जगह क्या थी हमारे पास वैल्यू, ये थी सेंटी। तो ये वैल्यू चारों आ गई, चारों के बाद क्या किया हमने इसको सॉल्व किया। अब आप देखें इसको हमने अरेंज कर लिया, अरेंज किस वजह से किया, सेंटी। तो अब आप ये देखें ये वैल्यू कहाँ से आई है, तो देखें हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एक्स किया क्या था कॉस्टी, अब वाई की जगह क्या है सेंटी। यहाँ पे किया क्या, यहाँ पे हमने वाई की जगह पुट कर दिया सेंटी, और आंसर क्या आ रहा है, माइनस सेंटी से आ गया प्लस, और एक्स की जगह पुट कर दिया हमने कॉस्टी, ठीक है, और यहाँ डी कॉस्टी आया वैसा। तो अब आप देखिए साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर टी, और प्लस होगा कॉस स्क्वायर टी। हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो सर फॉर्मूला होगा कॉस टू टू एक्स। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दें, अगर हम यहाँ पर भी कर दें तो यहाँ तक भी सही है, फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये जो कॉस टू टी है वो उस तरीके से आपके पास आया है, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। अब इसी तरीके से आप आ गए एग्जाम्पल नंबर एट डी, आपको लेट डेट इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर वाई थ्री प्लस एक्स टी, यहाँ पर भी वही दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर मालूम पड़ना डी डेट ओवर डी टी। तो सिंपल आप क्या करेंगे, डी जेड डी टी लिखेंगे। आप देखें आपको आपको क्या मालूम पड़ना, एक्स वाई, तो देखें यही किया, डी एक्स डेट ओवर डी टी, डी जेड ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी वाई, डी एक्स ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी वाई, वही करेंगे सिंपल जो पहले करते हुए आए। देखें यहाँ पर वही किया आपने, देखें इसको देख लें आप, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा बिल्कुल कैसे करना है, ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ये फंक्शन देख लें एल एन वाले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो अब आप ये देखें, गिवन आपको क्या दिया हुआ है, डी जेड ओवर डी टी, तो आपने भी इसमें वही करना है, डी जेड ओवर डी टी दिया हुआ है, डी एक्स ओवर डी वाई, सिंपल आपका पूरा ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो अब आप देखें आपको गिवन है, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, और ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला लिखा, अब हमने क्या करना है, डी एक्स ओवर इसका हमें निकालना है, डी जेड ओवर डी एक्स, डी जेड ओवर डी एक्स निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, देखें ऐसे ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, अगर मैं चाहूँ इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, देखें अंडर रूट को मैं हटा के अगर ब्रैकेट में ले आऊँ तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना इसको, कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, वन बाई टू लिख दिया। अब क्या किया मैंने, क्योंकि मुझे सॉल्व करना, तो मैंने क्या किया, ठीक है, अब इसका लेना डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, वन बाई टू आ जाएगा नीचे, वन बाई टू आ गया नीचे, ठीक है, ये पूरी वैल्यू रही एज इट इज़, ठीक है। अब हमें पता है कि माइनस अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, वन बाई टू, जब माइनस का वन बाई टू कैसे है, अंडर रूट की वैल्यू होती है वन बाई टू, ठीक है, और डेरिवेटिव में होता है माइनस वन, ठीक है। तो अब आप देखें वन बाई टू हो रहा है माइनस वन, ठीक है, अब इसका एलसीएम देंगे तो टू वन क्या हो गया, टू, ये हो गया। अब टू में से वन गया तो क्या बचेगा, माइनस का वन और वन बाई टू, तो इस तरीके से यहाँ पे वन बाई टू आया है, ठीक है। तो सिंपल इस तरीके से ये किया है, फिर हम आगे डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से पूरा हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई हो जाए। एल एन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो वन डिवाइड बाई एक्स पर उसका डेरिवेटिव, यानी अगर आपको ये फार्मूला दिया हुआ है तो सपोज कर ले ये अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है, वन डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स और उसका डेरिवेटिव होगा एक्स का, यानी अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो आपने सिंपली बेसिक फार्मूला याद रखना है, तो आपको इस तरीके से फार्मूला और जिस तरीके से पीछे करते हुए वो स्टेप फॉलो करेंगे तो इसका आंसर भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने एग्जाम्पल टेन करनी है, पूरा वही दिया हुआ है आपको, जेड जेड एक्स एक्स कुछ नहीं करनी, जो होगा डी जेड दिया हुआ है, डी जेड होगा डी डी दिया हुआ है, फॉर्मूला डालेंगे सिंपल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, वैन द फंक्शन ऑफ एक्स थ्री वैल्यू। अच्छा आप देखें आप क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास वो थे टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है, डी ओवर डी टी, अब इसमें डी एक्स भी दिया, वाई भी दिया, जेड भी दिया, कुछ भी नहीं करना, आप क्या कर रहे थे, आप पहले यहाँ तक के काम कर रहे थे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक के काम करना है, जो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें, देखें आपने क्या किया, डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी, पहले यहाँ मानना डी ओवर डी एक्स, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये भी आपका हो गया सिंपल। तो यहाँ पर जो है आपका लेक्चर नंबर एट ख़त्म हुआ, और इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देख लिया, करवाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, तो आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसके यहाँ आंसर भी दिए हुए, सिंपल इसमें यही करना है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, आप लोग के लाइक्स नहीं आ रहे हैं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।